हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स। दोस्तों, ऐसे ही एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को, जहां पर हम लाते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस के वीडियोज़। दोस्तों, कंपनी का स्टॉक ने लगभग 3,382 रुपीज़ के ऊपर अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 7.25% की गिरावट सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक ने दर्शाई हमें नज़र आई। दोस्तों, मेन रीज़न कंपनी के गिरावट दर्शाने का Q1 का रिजल्ट्स था। कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स बहुत ही पुअर है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के Q1 के रिजल्ट्स। तो दोस्तों, ये है डिटेल क्वार्टरली रिजल्ट्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। कंपनी ने Q1 के अंदर लगभग 2,369 करोड़ रुपीज़ के सेल्स दर्शाए, जो कि पिछले क्वार्टर से लगभग 200 करोड़ रुपीज़ लेस हमें नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, एक्सपेंसेस की बात करें तो 2,118 करोड़ रुपीज़ के एक्सपेंसेस थे मार्च 2023 के अंदर, जो कि घटकर 2,047 करोड़ रुपीज़ के हुए Q1 के अंदर। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 480 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2023 के अंदर, जो कि घटकर 322 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 के अंदर। यानी कि लगभग 150 करोड़ रुपीज़ का लॉस कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर दर्शाया हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 465 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 यानी कि Q4 के अंदर। दोस्तों, 283 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने दर्शाया है Q1 के अंदर। यानी कि यहाँ पर हमें लगभग 300 करोड़ रुपीज़ के आसपास घटत नज़र आ रही है। दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 359 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 के अंदर, जो कि घटकर लगभग 216 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर भी हमें लगभग 150 करोड़ रुपीज़ के आसपास लॉस कंपनी ने झेला नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये था क्वार्टरली रिजल्ट्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ऐसे ही एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।